जी क्या हाल है। आज एक और बहुत ही बेहतरीन वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आई एम रियली सॉरी, मैं ये वीडियो बनाने में काफ़ी लेट हो चुका हूँ। एक्चुअली मेरा 6th सेमेस्टर चल रहा था एंड आई वॉज ऑन एन इंटर्नशिप, तो मेरी इंटर्नशिप चल रही थी, मेरे को टाइम नहीं मिला। रिसेंटली मेरी इंटर्नशिप खत्म हुई है एंड मेरा 6th सेमेस्टर भी खत्म हो चुका है। सो आई एम ऑन माई वेकेशन, इसलिए मेरे को टाइम मिल गया। एंड काफ़ी स्टूडेंट्स मेरे से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि भैया वीडियो बनाओ, आई हैव लाइक वी हैव सम क्वेरीज, मेरे क्वेश्चन को एड्रेस करो एंड ऑल एंड ऑल। सो येस, दिस वीडियो इज़ फॉर यू गाइज। एंड आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ मेरा 3 साल का एक्सपीरियंस चितकारक यूनिवर्सिटी के अंदर कैसा रहा है। सो जिन लोगों को नहीं पता, आई हैव डन माई BCA फ्रॉम चितकार यूनिवर्सिटी, आई एम 2021 बैच। अब मेरा 6th सेमेस्टर खत्म हो चुका है, नाउ आई विल गेट द डिग्री, मेरे कन्वोकेशन होगी। सो मैं आज की वीडियो में बताने वाला हूँ, स्पेशली दिस इज मोर लाइक अ फ्रेशर्स गाइड एंड मेरा खुद का एक पर्सनल एक्सपीरियंस भी होगा चितकारा के बारे में कि ओवरऑल चितकारा कैसा है, आप लोगों को चितकारा में एडमिशन लेना चाहिए कि नहीं, एंड इफ़ यू गाइज हैव लाइक टेकन एडमिशन इन यूनिवर्सिटी तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है एंड वट थिंग्स आर विल बी यूजफुल फॉर यू। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हाँ जी, तो फर्स्ट पॉइंट, मेरे को काफ़ी स्टूडेंट्स पूछते हैं कि भैया हमें क्या चितकारा में एडमिशन लेना चाहिए कि नहीं, एंड मोस्ट ऑफ दोज आर लाइक CSE के होते हैं, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के, या फिर BCS, या फिर जो भी मतलब कंप्यूटर एप्लीकेशन कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट से रिलेटेड होते हैं ना स्ट्रीम्स, उनके स्टूडेंट्स आते हैं। सो ब्रो, आई विल टेल यू लाइक चितकारा एंड जो उसके आसपास की सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके कंपैरिजन में आई विल टेल यू आप लोगों को चितकारा को क्यों कंसीडर करना चाहिए। फर्स्टली, चितकारा यूनिवर्सिटी का एक जो डायरेक्ट कॉम्पिटिटर है वो एवरीवन नोज, दैट इज़ चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, जो कि खरड़ से भी आगे पड़ता है, लांड्रा पड़ता है, यस, जहाँ तक आई रिमेंबर। तो ब्रो, उसका नाम बहुत ज़्यादा है, आई नो उसका नाम काफ़ी ज़्यादा है, बट द थिंग इज़, अगर आप उसको चितकारा से कंपेयर करोगे ना, चितकारा इज़ फार 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 बेटर देन चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। उसके पीछे काफ़ी रीजंस हैं, अब मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ उसके पीछे क्या क्या रीज़न है। फर्स्टली, चितकारा यूनिवर्सिटी में आपको मोस्ट ऑफ द PhD होल्डर्स मिलेंगे, जो भी आपको फैकल्टी मिलेगी, रेगुलर फैकल्टी मिलेगी, सीनियर फैकल्टी आपको सारी की सारी यूनिवर्सिटी मिलेगी, लाइक मेजॉरिटी, ठीक है। ऑब्वियसली बात है भाई, ये सब चलता रहता है, बट मोस्ट ऑफ द फैकल्टी यू विल गेट आर लाइक द PhD होल्डर्स। एंड एज कम्पेयर टू चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के ही पास आउट्स को वो उसके कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे अपॉइंट कर लेते हैं जस्ट टू टीच द स्टूडेंट्स। सो एक सबसे बहुत फ़र्क पड़ता है इस चीज़ से कि आपकी फैकल्टी कितनी एक्सपीरियंस है या फिर नहीं, एक तो फर्स्ट पॉइंट ये। सेकेंडली, वहाँ का क्राउड एज कम्पेयर टू चितकारा का क्राउड, यार वहाँ का क्राउड इज़ लाइक, मैं कैसे बताऊँ, चितकारा क्राउड इज़ वे बेटर देन चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का क्राउड, मैं आपको वैसे बता देता हूँ व्हाट एल्स टू से, ठीक है। एंड लाइक बिकॉज लाइक ऑफ माई लाइक काफ़ी मेरे ना कजन्स एंड माई लाइक सिबलिंग ऑल्सो, लाइक माई ब्रदर इज़ ऑल्सो लाइक पास आउट फ्रॉम चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी एज वेल एज फ्रॉम चितकारा यूनिवर्सिटी। सो उन्होंने भी यही चीज़ बोली थी कि यार चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का एनवायरनमेंट एंड एवरीथिंग इज़ नॉट गुड एज कम्पेयर टू चितकारा यूनिवर्सिटी, चितकारा का सब कुछ बहुत ज़्यादा बेटर है। सो फर्स्ट पॉइंट तो ये होगा। अब एक रिसेंटली मोहाली के अंदर MET यूनिवर्सिटी कैंपस खुला है, जो कि अब ज़्यादा लोगों को नहीं पता, तीन या चार साल हो गए हैं उस चीज़ को। तो द थिंग इज, एक तो वो बना नया नया खुला है, इट्स लाइक बिग कैंपस, मैंने कैंपस में विजिट करके देखा, इट्स अ गुड कैंपस, नया नया कैंपस बनाया, नया इंफ्रास्ट्रक्चर, इट्स वेरी गुड। बट द थिंग इज, एक तो काफ़ी कम लोगों को पता है कि वहाँ पे MET यूनिवर्सिटी खुल चुकी है एंड उसकी ओवरऑल स्ट्रेंथ इज अराउंड 3000 के आसपास, उसकी ओवरऑल स्ट्रेंथ है एज कम्पेयर टू चितकारा की सिर्फ CSE की स्ट्रेंथ 3000 के आसपास चली जाती है। सो ये डिफरेंस है। एंड चितकारा भाई बहुत पुरानी है, पंजाब में बहुत नाम है चितकारा का, इस साइड पर खासकर ट्राई सिटी के आसपास एंड ऑल पटियाला साइड तक, ठीक है। एक तो ये हो गई। अब लास्ट एक ऑप्शन बचता है थापर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, वो पटियाला के अंदर है। सी, उसका कंपटीशन आप किसी के साथ नहीं कर सकते, वो कंपेयर नहीं कर सकते, थापर इज़ वे बेटर देन एवरी यूनिवर्सिटी। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, यू वांट टू गो इन चितकारा फिर नहीं, बट आई टेल यू आसपास की जितनी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उन सब में चितकारा इज़ लाइक वे बेटर। चितकारा का सब कुछ अच्छा है, एनवायरनमेंट भी अच्छा है, कैंपस भी अच्छा है, फैकल्टी भी अच्छी है, ओवरऑल स्ट्रक्चर मतलब चितकारा को देखा जाए इट्स वे बेटर देन एनी अदर प्राइवेट यूनिवर्सिटी एज कम्पेयर्ड, जो भी मतलब उनके कंपेरिजन के अंदर आती है। नेक्स्ट पॉइंट, काफ़ी स्टूडेंट्स मेरे से पूछते हैं कि भैया चितकारे की फैकल्टी कैसी है, स्टाफ कैसा है, हेल्पफुल है कि नहीं। देखो, हर एक डिपार्टमेंट का अलग अलग सीन होता है, बट बिकॉज मेरे भी काफ़ी फ्रेंड्स हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के, मेरी जितनी भी सबसे बात हुई है, मेजॉरिटी फैकल्टी ऑफ चितकारा हर एक डिपार्टमेंट की इज़ रियली गुड, रियली हेल्पफुल, रियली प्रोग्रेसिव, लाइक स्टूडेंट्स की काफ़ी हेल्प करते हैं, ऑलवेज देयर फॉर स्टूडेंट्स वाला सीन है। फैकल्टी के मामले में कोई इशू नहीं है। देखो, हर टाइप की फैकल्टी आपको हर एक यूनिवर्सिटी में हर एक डिपार्टमेंट में मिलेगी, उसमें तो नो वन कैन हेल्प, वो हर जगह आपको मिलेगी। बट एज कम्पेयर टू की मेजॉरिटी फैकल्टी कैसे, इट्स गुड, आप फैकल्टी को लेकर कोई दिक्कत मत लो, वेरी सीनियर फैकल्टी, एक्सपीरियंस फैकल्टी आपको मिलेगी, ऐसा कोई इशू नहीं आएगा। नेक्स्ट, लोग काफ़ी मेरे से बच्चे पूछते हैं कि सर कह रहा है कि भैया कैंपस लाइफ कैसी थी। कैंपस लाइफ इज़ रियली गुड चितकारा की, अच्छा कैंपस है इसका, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है इसका,
आर्किटेक्चर इज ऑल्सो रियली गुड, ऐसा कोई इशू नहीं है. थोड़ा सा पुराना आपको कभी कभी फील हो सकता है बिकॉज इट्स लाइक इट्स ओल्ड यूनिवर्सिटी. अब काफ़ी न्यू ब्लॉक्स बन रहे हैं चित्कारा में, एक दो तो भी रिसेंटली बने हैं जो मैंने भी नहीं देखे हैं टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि जब मैं निकल गया था मेरी इंटर्नशिप लगी थी उसके बाद सारे के सारे काम हुआ था. एंड चित्कारा में भी बहुत सारी कंस्ट्रक्शन चल रही है, ऐसा कुछ सीन है नहीं, इट्स रियली गुड, आप लोग दे सकते हैं. एंड एक मेरी पर्सनल सजेशन रहती है हर एक स्टूडेंट को, चाहे आप लोग चित्कारा में एडमिशन ले ना ले वो एक सेपरेट थिंग है, बट जिस भी यूनिवर्सिटी में आप जाना चाहते हैं, जिस कॉलेज में जाना चाहते हैं ना, प्लीज़ एक बार जाके कैंपस ज़रूर विजिट करा करें. आपके खुद के डाउट्स क्लियर होंगे, क्योंकि एट द एंड यू आर द वन जिसको वहाँ पे 3 या फिर 4 साल अपनी डिग्री करनी है. यू आर द ओनली वन जिसको डेली अप डाउन वहाँ पे करना है, लाइक हॉस्टल्स को वहाँ पे रहना है. डू विजिट द हॉस्टल एक बार खुद विद योर पेरेंट्स एंड एवरीथिंग. आप एक बार जाके कैंपस को ज़रूर विजिट करिए, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, ये मेरे पर्सनल सजेशन रहेगी. नेक्स्ट, काफ़ी बच्चे मेरे से पूछते हैं कि भैया यूनिफॉर्म का क्या सीन है. सी देखो, चित्कारा में यूनिफॉर्म है, हर एक डिपार्टमेंट में यूनिफॉर्म है. किसी किसी स्पेशल उसके अंदर डिपार्टमेंट के अंदर कोई लाइक स्पेशल यूनिफॉर्म है. सिर्फ जो फैशन डिज़ाइनिंग के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यूनिफॉर्म इज़ नॉट कंपलसरी, बाकी सबके लिए यूनिफॉर्म इज़ कंपलसरी. यूनिफॉर्म के अंदर क्या आता है, समर्स के अंदर यू हैव वन ब्लैक टी शर्ट एंड वन रेड टी शर्ट, डिपेंड्स ऑन यू आपको कौन सी कब पहननी है. विंटर्स के अंदर यू हैव वन ब्लैक हुडी एंड वन ग्रे हुडी, वो भी आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कौन सी कब पहननी है. बाकी जीन्स पहनो एंड नॉर्मल शूज स्निकर्स एंड ऑल, वो सब आपके ऊपर डिपेंड करता है. बट येस, यू गाइज हैव टू वेयर यूनिफॉर्म ऑन डेली बेसिस. वीकेंड्स को छोड़ सकते हैं, क्योंकि वीकेंड्स को क्लासेज ही नहीं होती, वंस इन अ वाइल वाली बात होती है, क्लासेज लगती हैं तब ऐसा कुछ स्ट्रिक्टनेस होती नहीं है. एंड फॉर डे स्कॉलर्स, इफ यू गाइज आर नॉट वेयरिंग यूनिफॉर्म, गेट पे आपके चौक पैड के ऊपर आपका फाइन अपलोड हो जाता है, डैट्स अराउंड 100 rupees जहाँ तक मेरे को याद था. हो सकता है भी इंक्रीज भी हो गया, 150 भी हो सकता है, बाकी अराउंड इट्स 100 ओनली पर डे के हिसाब से ये फाइन चलता है. सो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, बट इट्स कंपल्सरी टू लाइक वेयर यूनिफॉर्म एवरी डे इन चित्कारा यूनिवर्सिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि भैया क्राउड कैसा है यूनिवर्सिटी का. देखो, हर एक यूनिवर्सिटी में आपको मिक्स क्राउड मिलेगा, बट एज कम्पेयर टू चित्कारा, चित्कारा क्राउड इज़ गुड. अच्छे लाइक यू विल गेट नाइस क्राउड, अच्छे स्टूडेंट्स एंड ऑल, हर टाइप का क्राउड आपको हर जगह मिलेगा. दैट्स लाइक नथिंग न्यू, ऐसे कोई इशू नहीं आने वाला, इट्स गुड. अब मेरे सबसे ज़्यादा डाउट्स आते हैं भाई सीएससी के स्टूडेंट्स से या फिर बीसीए के स्टूडेंट्स से. अब काफ़ी लोग मेरे को पूछते हैं कि भैया आपने बीसीए करी, आपकी पुरानी वीडियोज़ के अंदर आपने बीसीए के बारे में बोला. देखो, टाइम के साथ चीज़ें बहुत चेंज हो सकती हैं, यू डोंट नो द फ्यूचर. जब मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी अपने एक्सपीरियंस वाली, उसको 1-1.5 साल हो गया या फिर ऑलमोस्ट 2 साल भी हो सकते हैं, आई डोंट रिमेंबर, बट 1 साल से ज़्यादा हो चुका है जहाँ तक आई रिमेंबर. तो उससे उस वीडियो के टाइम से लेकर अब तक बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस आ चुके हैं, काफ़ी चीज़ें इंप्रूव हो चुकी हैं, इंफ्रा चेंज हो चुका है, फैकल्टी में भी काफ़ी इंप्रूवमेंट आ चुकी है, एवरीथिंग गुड. मेरा लाइक माइंडसेट भी चेंज हो चुका है इस चीज़ को लेके. सो आज के टाइम पे अगर आप पूछो कि भैया क्या हमें बीसीए में एडमिशन लेना चाहिए चित्कारा के अंदर या फिर सीएससी के अंदर एडमिशन लेना चाहिए, तो भाई बिना कुछ सोचे समझे गो फॉर इट, यू वॉन्ट रिग्रेट अनलेस एंड अंटिल आपके पास किसी और बेटर यूनिवर्सिटी का लाइक यू हैव द ऑप्शन, आपके पास एडमिशन है, ऑफर लेटर इन कुछ है, तो देन आई सजेस्ट यू कि आप किसी बेटर यूनिवर्सिटी में जाओ. बट एज कम्पेयर टू चित्कारा में आप जा सकते हो, कोई ऐसे इशू वाली बात नहीं है. क्योंकि पहले का टाइम अलग होता था, क्योंकि जब मैं बीसीए में आया था तब यार मेरे क्लासेस के अंदर ना मेरे लेक्चर हॉल्स के अंदर एसी तक नहीं होता था. हम लोगों ने काफ़ी मुश्किल से एसी लगवाया था, लाइक बहुत कंप्लेंट्स करते थे हम. उसका अब तो लगवा लिया है एसी, अब लगा हुआ है एसी, ऐसा कोई इशू वाली बात नहीं है नहीं. वाईफाई भी है, वो तो हर जगह आपको मिल ही जाएगा. नेक्स्ट, एक हॉस्टलर से मेरे को काफ़ी रिक्वेस्ट आती है कि भैया बींग अ हॉस्टलर क्या हम अपना कोई प्राइवेट व्हीकल वहाँ पे रख सकते हैं, लेट इट बी लाइक 2-wheeler और 4-wheeler. नहीं यार, ये चीज़ इज़ नॉट अलाउड इन यूनिवर्सिटी, नॉट इवन लाइक यू गाइज कांट इवन कैरी लाइक साइकिल, यू गाइज कैन से हाँ साइकिल भी आप लोग नहीं कैरी कर सकते. तो ऐसा कुछ नहीं है, बींग अ हॉस्टलर नहीं है, सब कुछ नहीं करना पड़ेगा. एंड स्ट्रिक्टनेस की बात करें, डिसिप्लिन की बात करें, देखो यूनिवर्सिटी में बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन मेंटेन किया जाता है, बहुत स्ट्रिक्टनेस है यूनिवर्सिटी में, इसमें कोई डाउट नहीं है. क्योंकि लाइक वंस यू आर इन द कैंपस, आप 3:30-4 o'clock से पहले कैंपस नहीं छोड़ सकते. उसके लिए आपको स्पेशली गेट पास अप्रूव करना पड़ेगा, लेट इट बी इफ़ यू आर अ डे स्कॉलर और अ हॉस्टलर. डे स्कॉलर को जैसे आपने 2-3 लेक्चर लगा लिए, उसके बाद यू गाइस हैव टू गो होम, आपकी कोई क्लास नहीं है, फिर यू हैव एनी अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, आपको अपना डे गेट पास अप्लाई करना पड़ेगा चौक पैड के थ्रू. देन डे स्कॉलर के लिए अपने मेंटर से उसको अप्रूव कराना पड़ेगा. एंड इन मोस्ट ऑफ द केसेस आपके मेंटर आपके पेरेंट्स से बात करेंगे फ़ोन करके कि आपका बच्चा बाहर जाना चाहता है, कैन वी अलाउ और नॉट, लाइक एक परमिशन लेते हैं पेरेंट्स से. उसके बाद दे अप्रूव द गेट पास, देन आपको गेट पे गेट पास दिखा के यू गाइस कैन लीव द कैंपस. ये चीज़ आपको डेली करनी पड़ेगी अगर आपको जल्दी जाना है. एंड रही बात अगर हॉस्टल से कंपेयर करें, जैसे हॉस्टल्स का होता है कि भाई वीकेंड पे हम भी घूमने चलते हैं फ्रेंड्स वगैरह के साथ, तो उसके लिए आपको क्या है, आपको गेट पास अप्रूव करना पड़ेगा, बट मेंटर से नहीं, जो आपका वार्डन रहेगा, आपको वार्डन से उस गेट पास को अप्रूव कराना पड़ेगा. सेम वार्डन आपके पेरेंट्स से बात करेगा कि आपका बच्चा बाहर जाना चाहता है, कैन वी अलाउ और नॉट,
एंड विद इन द लाइक गिवन गेट पास, जो भी टाइम उसके अंदर आप डालोगे तब तक आपको वापस भी आना पड़ेगा. सो दिस इज द सीन, आपको गेट पास करवाना पड़ेगा एंड ऑल. ये डिसिप्लिन स्ट्रिक्टनेस यूनिवर्सिटी में रहेगी एंड ये चितकारा का लाइक सिग्नेचर है, ये चितकारा में रहेगा. नो वन कैन हेल्प इन दिस. तो बेसिकली यही था. अगर मेरे आप लाइक मेरे एक्सपीरियंस को सम करें 3 साल के जो मैंने बीसी के अंदर करा है, देखो आई अगर आउट ऑफ 10 में इसको रेट करूँ, आई गिव इट 7 और मे बी 7.5. ठीक है, अब हर एक चीज़ अपने हिसाब से होती है. मेरी एक्सपेक्टेशंस कुछ और थी यूनिवर्सिटी से, द आउटपुट आई गॉट इज समथिंग एल्स, थोड़ा सा डिफर कर रहा है. बाकी एवरीथिंग इज गुड. आई एम रियली हैप्पी कि मैंने बैचलर्स यूनिवर्सिटी से, चितकारा यूनिवर्सिटी से करी है. आई एम टॉकिंग अबाउट राजपुरा कैंपस, हिमाचल का जो कैंपस है, बद्दी कैंपस. वो कंपैरेटिवली काफ़ी छोटा है, मेरे को उसका ज़्यादा कुछ पता भी नहीं है. मैं एक बार विजिट कर रहा था, वो किसी पुराने वीडियो में आप बात करी थी मैंने, आई डोंट रिमेंबर. ठीक है, मैंने ना चितकारा यूनिवर्सिटी की प्लेलिस्ट भी डाली हुई है, वो आई बटन में भी आ रही होगी. बाकी चैनल पे आप उसको भी जाके देख लेना, आपको कोई भी डाउट हो. एंड स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए, अगर आप लोगों के पास कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी हो, लाइक डू कमेंट डाउन, मेरे को कमेंट करके बता देना कि आप लाइक जो भी आपका क्वेश्चन है. या फिर काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं कि यार कमेंट नहीं करते, काफ़ी स्टूडेंट मेरे को ना इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं. आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, नो इश्यूज़. आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा एंड इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो. मैं ट्राई करता हूँ कि सबसे लाइक ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स की क्वेरी को मैं सॉल्व कर पाऊँ या फिर उनको एटलीस्ट रिप्लाई तो दे पाऊँ, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स ने बहुत सारी क्वेरीज मेरे से पूछी हैं पास्ट के अंदर. सो ऐसा कोई इशू वाली बात नहीं है. एंड यार एक रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से, आप लोगों ने अगर इतनी वीडियो देख ली तो थैंक यू सो मच. एंड एक और छोटी सी रिक्वेस्ट है, वी आर वेरी लाइक आई एम रियली 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 क्लोज टू हिट 2K सब्सक्राइबर्स. आई नो इट्स नॉट अ बिग थिंग, बट फॉर मी लाइक बीइंग अ स्मॉल क्रिएटर इट्स अ बिग थिंग. तो कुछ 100 के आसपास सब्सक्राइबर्स रह गए हैं. प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, आप लोगों के लिए ऐसा हेल्पफुल कंटेंट बनाता हूँ. एंड अगर आपको किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर लाइक वीडियो चाहिए, मेरे को कमेंट कर दो, नो इश्यूज़, आई डेफिनेटली मेक द वीडियो. एंड प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना. एंड अगर आपका कोई भी फ्रेंड या फिर कोई भी सिबलिंग आपके नोन में कोई भी चितकारा से रिलेटेड रिसर्च कर रहा है, फिर चितकारा में एडमिशन लेना चाहता है, उसको प्लीज़ ये वीडियो शेयर कर देना. आई विल बी हेल्पफुल फॉर दैट पर्टिकुलर पर्सन. सो आज की वीडियो में यही था. अगर आप लोगों को कुछ भी क्वेरीज हो, कोई भी क्वेश्चन हो, मेरे को प्लीज़ कमेंट करके बता देना, नहीं तो यू गाइज कैन पिंग मी ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो. सो दैट इज अवर टुडेज वीडियो, ऑल्सो द नेक्स्ट व्लॉग. टिल देन टेक केयर, बाय बाय. Please suffer kara sara kabar sabara karai sara suffer kara sara kabar sabara karai suffer kara sara kabar suffer kara sara kabar suffer 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 suffer